बिहार में बिगड़े हालात पर सीएम नीतीश कुमार सख्त। सीएम नीतीश कुमार ने लगाई अफसरों को फटकार। मृतक के परिजनों के लिए 5 लाख सहयोग राशि का ऐलान। बिहार के नालंदा और सासाराम में बिगड़े हालात के बाद तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। हालांकि वहां के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन बिगड़े हालातों को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कड़े तेवर दिखाए हैं। इस मामले में नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग की। ये बैठक सीएम आवास पर ही की गई, जिसमें उन्होंने अफसरों की जमकर क्लास लगाई। सबसे पहले तो सीएम नीतीश ने हालातों का अपडेट लिया। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि दोनों जगहों पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी बनाए रखे। एक एक छोटी से छोटी चीजों पर अपनी नज़र लगातार बनाए रखें और उपद्रवियों की पहचान कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि वो किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नज़र रखी जाए। वहीं हाई लेवल की इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने इन दोनों को निर्देश दिए कि वो सभी जिलों के जिलाधिकारी और SP से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ताज़ा हालातों की जानकारी लेते रहें। साथ ही वो इस जानकारी को मीडिया से भी साझा करें, ताकि ना तो किसी तरह का अफवाह फैल सके और ना ही कोई भ्रमित हो सके। इस बैठक के बाद बिहार के DGP RS भट्टी ने मीडिया को ताज़ा हालातों की जानकारी दी। सारम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई, उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना में मृत के पिता और भाई से फोन पर बात कर अपनी संवेदना व्यक्त की, साथ ही इस मामले की पूरी जानकारी भी ली। फोन पर बात करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का ऐलान किया। बता दें कि बिहार के नालंदा और सासाराम में रामनवमी के जुलूस के दौरान तनाव पैदा हो गया था, जिसके बाद एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद से इन दोनों जगहों पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसे काबू में करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इधर केंद्र की तरफ से भी CAPF की 10 टुकड़ियाँ उतर चुकी हैं। उम्मीद है कि नीतीश कुमार की ये हाई लेवल बैठक और CAPF की टुकड़ियाँ उतर जाने से हालात काबू में हो जाएंगे, जिसकी दरकार भी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए अब जुड़े रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।